नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनमंच में। मैं हूं आपके साथ राजीव राय। आज हम बात कर रहे हैं चीन की उस चाल की जिसके जरिए वो भारतीय सीमा में घुसपैठ की नाकाम कोशिश करने में लगा है, और उसकी इस कोशिश में हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी अब उसकी पूरी मदद कर रहा है। अभी तक लेह, लद्दाख और तिब्बत की सीमा पर ही चीनी घुसपैठ की बात सामने आई थी, लेकिन अब उत्तराखंड के चमोली बॉर्डर पर भी ड्रैगन की हिमाकत देखी गई है। एक दिन पहले ही चमोली से सटे सीमावर्ती इलाके बारा होती में चीनी घुसपैठ की बात सामने आई, जिसके बाद अब राज्य सरकार ने इस मामले में की जानकारी दिल्ली तक पहुंचाई है। आज लोकसभा में भी चीनी घुसपैठ का मुद्दा छाया रहा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव ने इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बेबाक राय रखी। सदन में आज सभी सदस्यों के सामने यह सवाल उठाया गया कि भारत के लिए बड़ा खतरा चीन है या फिर पाकिस्तान। आज इसी मुद्दे पर हम आपकी राय जानेंगे। चीन से खतरा है, पाकिस्तान से खतरा नहीं है। सीमा में एक बार फिर से चीनी घुसपैठ का मामला सामने आया, और इस बार यह घुसपैठ उत्तराखंड के चमोली जिले के बॉर्डर के रास्ते हुई। बाराहोती में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की खबर के बाद उत्तराखंड सरकार हरकत में आई। सीएम हरीश रावत दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर उन्होंने इसकी जानकारी दी है। तस्वीरों में नजर आ रहा ये इलाका उत्तराखंड के चमोली जिले से सटे बाराहोती का है। एक दिन पहले इसी इलाके में चीनी फौज की हलचल देखी गई थी। बाराहोती के इस इलाके में इससे पहले कभी चीनी फौज की हलचल नहीं देखी गई थी। इस इलाके में अचानक चीनी फौज की घुसपैठ के बाद देश की खुफिया एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस इलाके में चीनी सेना की घुसपैठ की पुष्टि की है। रावत ने यहां तक कहा है कि उन्हें आशंका है कि बाराहोती और इससे सटे इलाकों में चीन के सैनिक अब भी मौजूद हो सकते हैं। हरीश रावत का कहना है कि बॉर्डर पर सुरक्षा का मसला केंद्र सरकार का जिम्मा है और इसके बारे में केंद्र सरकार को ही सोचना होगा। सूचना चिंताजनक है और हमारा बॉर्डर अपेक्षाकृत शांत रहा है। हम प्रारंभ से ही कहते रहे कि यहाँ विजिलेंस आप बढ़ाइए करके। मैं समझता हूँ भारत सरकार जो आवश्यक कॉग्निजेंस लेनी है वो लेंगे, और सूचना बिल्कुल सही है, सेंट्रल एजेंसीज को भी जानकारी है। और लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अभी एक जो महत्वपूर्ण नाला है उसको उन्होंने टच नहीं किया है, मगर फिर भी जो है उनकी सक्रियता है। हमारे अधिकारी अपने रेवेन्यू लैंड को नापने के लिए गए थे, क्योंकि रेवेन्यू लैंड का मापन हमारा दायित्व है, राज्य का दायित्व है, तो चीनी सैनिकों की गतिविधियां देखी गई। बारहोली इन उत्तराखंड इज वन सच एरिया वेयर देर आर डिफरिंग परसेप्शंस। ऑन 22 जुलाई 2016 टू पीएलए पर्सनल ट्रांसग्रेस्ड इनटू इंडियन टेरिटरी बाय 200 मीटर्स। 22 जुलाई 2016 ट्रांसग्रेशन बाय पीएलए पेट्रोल इन बारहोली इज बीइंग प्रोटेस्टेड टू द चाइनीज साइड through the established mechanism of flag meeting. Annually, there are about 400-500 such transgressions. This year, the number of transgressions have reduced. चीनी घुसपैठ का मुद्दा आज लोकसभा में भी उठाया गया। पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव ने इस मसले पर खुलकर अपनी राय दी। बकौल मुलायम, आज पाकिस्तान से भारत को उतना खतरा नहीं है जितना कि चीन से है। मुलायम सिंह ने पूरे सदन को इस बात से आगाह किया कि चीन से भारत की दोस्ती कभी हो ही नहीं सकती है। उन्होंने कहा कि चीन की फितरत ऐसी है कि अगर वो कमजोर होगा तो चुप बैठ जाएगा, लेकिन अगर ताकतवर हुआ तो हमला करने में जरा भी देर नहीं लगाएगा। चीन नहीं मानेगा, चीन हिंदुस्तान पर किसी न किसी से समस्या पैदा करेगा। अब उसने गठजोड़ किया है पाकिस्तान से, और आपको करना चाहिए था पाकिस्तान तक कह दे भाई मेरी तरह से तुम छोटे भाई, मैं बड़ा भाई, आपको हम प्यार करेंगे, तुम आप इज्जत दो। आप पाकिस्तान से संबंध रखिए, चीन से संबंध रखने कोई जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री जी को मैंने कुछ कहा नहीं है।
कभी उससे हाथ मिलाने नहीं जाना चाहिए, तभी धोखा देता है। यहाँ आए चाउमीन लाई, याद होगा अध्यक्ष महोदय, चाउमीन लाई का स्वागत जितना नेहरू जी ने कराया, दुनिया के किसी विरासत अध्यक्ष का इतना स्वागत नहीं हुआ जितना चाउमीन लाई का हुआ। और चाउमीन लाई ने वास्तव में जाके हमला कर दिया, 1,00,000 वर्ग किलोमीटर हमारी जमीन अभी तक चीन दबाए बैठा।